नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रघु कुमार पांडे। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इससे भयावह आपने कोई नज़ारा नहीं देखा होगा, जहां आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भोपाल में युवक का सब सुअरों ने नोच खाया। कोलार में सबसे ज़्यादा सख्त लॉकडाउन, फिर भी सुअर सबको नोच कर खाते रहे और पुलिस को पता तक नहीं चला। आप लोगों को बताना चाहेंगे पूरी खबर कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिल दहला देने वाली घटना घटी। शुक्रवार को एक युवक के शव को सुअरों ने घसीट घसीट कर नोच कर खाया। शव का चेहरा और शरीर के निचले हिस्से को सुअरों ने पूरी तरह खा लिया था। युवक कोलार से शाम को गुरुवार को लापता था। वह घटना उस कोलार क्षेत्र में घटी जहाँ सबसे ज़्यादा सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है। बताना चाहूँगा पुलिस चौकसी कर रही है, इसके बाद भी उन्हें पता नहीं चला। सुबह लोगों ने सुअरों को सबको खाते देखने के बाद पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुअरों को भगाया। युवक के मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि हत्या करके यहां पर शव को फेंका गया होगा। कोलार पुलिस को शुक्रवार सुबह यह एक शव को पर पहुंची पुलिस ने और शरीर के निचले हिस्से तक के कपड़ों से उसकी पहचान के रूप में हुई है। का काम करता था। परिजनों ने बताया कि वह गुरुवार शाम को इलाके में ही था, इसके बाद से उसका पता नहीं चला। वह रात को भी घर नहीं आया। हालांकि उनका कहना था कि वह अक्सर इसी तरह गायब हो जाता था, इसीलिए उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। टीआई कोलार चंद्रभान पटेल ने बताया कि शव को बुरी तरह नोचा जा चुका है, ऐसे में उसकी हत्या के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। हालांकि पुलिस मृतक के परिजनों और अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है। आशंका है कि युवक की हत्या करके वहां फेंक दिया गया हो, इसके बाद सुअरों ने उसके शव को नोच नोच कर खाया। इसके अलावा सुअरों के हमले से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा। बहुत ही बुरी तरीके से मध्य प्रदेश में भयावह नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। किस तरीके से लाशें गिर रही हैं और किस तरीके से देखिए सुअर तक भी इंसानों को नहीं छोड़ रहे हैं। मृत लाश का चेहरा पूरी तरीके से सुअरों ने खा लिया है। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे, नमस्कार, जय हिंद।